ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस मेरे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज राजेश पालिया बातचीत करने के लिए और कॉल्स देने के लिए। राजेश जी, पहले आप एक काम करते हैं, पिक करते हैं आपका ट्रेड आज। आप ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं बताइए, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो वीरेन जी, बैंकिंग क्षेत्र में फेडरल बैंक पसंद आ रहा है। आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला स्टॉक में, और अगर इसको वीकली चार्ट पे टेक्निकली एनालाइज करें तो स्टॉक में एक अपस्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये क्लियर दिखाता है कि एक सस्टेन अप ट्रेंड बना हुआ है। 175 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि फेडरल बैंक का ये मोमेंटम टुवर्ड्स 185 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 175 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। इस ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 6.5 रुपए से 7 रुपए की तरफ। ये ऑप्शन का ट्रेड मतलब ये स्ट्राइक प्रीमियम बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1.50 रुपए के आसपास। ओके, फेडरल बैंक, वाकई मतलब मैं खुद राजेश जी काफ़ी टाइम बाद इसका चार्ट देख रहा हूँ और एग्रेसिव है, आई मीन बहुत एग्रेसिव हो चुका है ये स्टॉक। ये एक इसकी एक राइजिंग चैनल थी, मैं जो अब तक रीड कर पा रहा हूँ उसमें लगभग अप्रैल 2020 से, यानी इमिडिएटली आफ्टर कोविड जो उसने एक ट्रेजेक्ट्री पकड़ी थी ये उसमें ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज ये उस राइजिंग ट्रेजेक्ट्री उसके भी जो जिसे कहते हैं ना अपर ट्रेंड लाइन उसको भी क्रॉस करता हुआ 172.59 पे। डायरेक्टर साहब, इसकी जरा वो कॉल लेके आइए जो राजेश पालवी जी ने अभी कॉल दी है, उसको थोड़ा रीड करते हैं और फ्यूचर्स रखिएगा। फ्यूचर्स प्लस ये है 175 की कॉल ऑप्शन, और ज़रा फ्यूचर्स का ओआई लिखाइए एक बार ज़रा, और इस कॉल का आउटस्टैंडिंग ओआई भी लेके आइएगा। अब मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये देखिए फ्यूचर्स में बिल्डअप है करीब 4% का, ये मायने रखता है, करीब 27 लाख का शेयर, इट्स ए ह्यूज बिल्डअप। स्टॉक बात करते करते डे हाई की डायरेक्टरी में है। मैं इसलिए देख रहा था इस कॉल के आउटस्टैंडिंग ओआई को क्योंकि अगर आप फेडरल बैंक के ओआईस को देखें, आई मीन जो प्लेस्ड हैं कॉल्स पे, उसमें अब इस 172.50 की कॉल में 175 की कॉल में ओआई करीब 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 42% बढ़ रहा है, 62.9 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई। और एक बार जरा इसकी 180 की कॉल दिखाइएगा वो क्या कर रही है, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी में है, ऑल टाइम हाई पे है। अमूमन क्या होता है कि स्प्रेड्स क्रिएट होती हैं कि एक कॉल को बेच के दूसरी कॉल बेच दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14% बिल्डअप है, नहीं तो काफ़ी अच्छा स्कोप है इसका ऊपर जाने का। बात करते करते 172.70 पे अच्छी कॉल है, अब सिर्फ मैं इसको एनालाइज कर रहा था। अच्छा, एक बार ज़रा चोला लेके आइएगा। NBFCs में, बैंक्स में, कुछ सर्टेन बैंक्स में, और आई थिंक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में अच्छा मूव है। राजेश जी, ज़रा एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस होगी, फेडरल बैंक हो गया, एक बार चोला को देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। डे हाई पर आके ये भी ट्रेड करता हुआ और अपने पिछले 3 महीनों के हाईस को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करने की तैयारी करता हुआ, इस पर आपकी रीडिंग क्या कहती है? तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे ही स्टॉक पहुंचते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें इसको तो इसके जो प्रीवियस स्विंग हाई बने थे May 2024 के, अब उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, यस यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1400 की तरफ आते हुए दिखेगा शॉर्ट टर्म में। डेटा में भी देखें, डेरिवेटिव डेटा में भी, तो आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट माइल्डली एड हुआ है आज, लेकिन प्राइस एक्शन में हमें लगता है कि ये 1345 के ऊपर सस्टेन रहा तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 1400 की तरफ शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है। चोला अच्छा मूव देता हुआ, फेडरल बैंक आपकी कॉल अच्छी थी और ये डे अच्छा फेडरल बैंक वाकई। अगर आप देखें तो देखिए इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी है उसका, हालांकि मैं उल्लेख बाद में करूंगा, बट यस 172.50 पे डे हाई की रिएक्ट्री मार्केट हिट करता हुआ। बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए एक बार फिर से आई थिंक सबसे बड़े कॉल राइटर्स के मतलब जो पुट राइटर्स का जोन है वहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट करता हुआ। बट अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अब इस वक्त मोमेंटम पकड़ रहे हैं, और मैं पॉसिबली इस कार्यक्रम का एक आखिरी स्टॉक और इंक्लूड करूँगा इस डिस्कशन में, दैट्स आई थिंक NTPC करीब करीब 371.90 पे, ये भी इस वक्त एक फ्रेश इंट्राडे ब्रेकआउट दिख रहा है 372 पे। राजेश जी, पॉसिबली लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे, आपका टेक इस वक्त? तो देखिए कंटिन्यूटी तो बनी हुई है पावर सेक्टर में, हमारा व्यू बुलिश है और हमें लगता है NTPC का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। यहाँ पे ये स्टॉक अब कंफर्टेबली 370 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर ये इसके ऊपर ही बना रहा तो हो सकता है ड्यूरिंग द डे ये स्टॉक में 378 की तरफ का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा।
तो बिल्कुल जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है रख सकते हैं, छोटा ही स्टॉप लॉस रखे 1369 के आसपास। हमें लगता है मोमेंटम ड्यूरिंग द डे इसमें 378 380 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी काउंटर्स पे इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने, और निफ्टी करीब करीब 23,423 पर और बैंक निफ्टी करीब 50,040 पर। खैर, इस कार्यक्रम को एक के अंतिम पड़ाव में जाने से पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दें। कमौथी गुरुकुल जैम, ये CNBC आवाज़ की खास पेशकश जल्द आ रहा है, और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इस कमौथी गुरुकुल की सीरीज़ के थ्रू अपने जो कमौथी ट्रेडिंग के स्किल्स को निखारना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आइए और इस वेबिनार को ज्वाइन कीजिए 22 जून 2024 को। ये वेबिनार एक दिन का, जिसको मनीषा जी लीड करेंगी, और होंगे देश विदेश के जाने माने जो रिसर्च एनालिस्ट हैं कमोडिटीज़ के, उनसे। ये जो आपकी स्क्रीन पे एक बार कोड है, इसे स्कैन कीजिए और ये पूरा का पूरा विवरण आपके स्क्रीन पे होगा। और उसके बाद ये एक दिन का वेबिनार, जिसमें आपको अपने कमोडिटीज़ को एनालाइज करने के लिए टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव में और फंडामेंटल प्रोस्पेक्टिव क्या क्या होता है, किस किस चीज़ को अगर आप देखें आप बतौर इंडिकेटर मान के चलते हैं, कैसे कमोडिटीज़ पे ग्रिप लेनी है, इस वेबिनार में 22 जून 2024 को CNBC आवाज़ की खास पेशकश। अभी एक ब्रेक, आपसे बोले अगली मुलाकात होगी आज कमाई के अड्डे में, तब तक के लिए नमस्कार।